सो वेल फ्रेंड्स, अगर आप भी AEPS के जरिए अपने पैसे को विड्रॉ करते हैं या अगर आप एक रिटेलर हैं और अपने कस्टमर्स को AEPS के जरिए पैसे निकाल कर देते हैं, तो ये वीडियो जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ न्यू गाइडलाइंस के बारे में बताने वाला हूँ जो कि AEPS के लिए आया हुआ है NPCI की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, NPCI के अंडर में ही AEPS ट्रांजेक्शन होते हैं। जो भी गाइडलाइंस वगैरह आती है NPCI की तरफ से, वो AEPS ट्रांजेक्शन करने वालों को फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर वे नहीं करते हैं तो उनका जो ID ब्लॉक भी हो सकता है। क्या कुछ पूरा जानकारी है डिटेल में इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव कंटेंट ना आपको हमेशा हमारे चैनल पर देखने को मिलता रहता है। तो आपसे ज्यादा टाइम ना लेते हुए चलिए आज के इस टॉपिक को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक सॉरी बोलना चाहूंगा, क्योंकि बैकग्राउंड में हो सकता है आपको कुछ नॉइज वगैरह आ रही हो, तो प्लीज उनको इग्नोर कीजिए। यहाँ पर टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को आप समझिए। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है कि कस्टमर्स का जो आप पैसा निकालते हैं, चाहे आप 100 रुपए निकालते हैं, 200 रुपए निकालते हैं, या 300 रुपए निकालते हैं, या 1,000, 2,000, 5,000 या 10,000 निकालते हैं, तो उसके ऊपर आप कुछ ना कुछ जो है उनसे चार्ज लेते हैं अगर आप रिटेलर हैं तो। क्योंकि AEPS अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, कहीं पर भी CSC सेंटर आपने ले रखा है, तो कस्टमर से आप एक चार्ज लेते हैं। 100 से 1,000 के बीच में ट्रांजेक्शन होती है तो आप 10 रुपए का चार्ज लेते हैं, 2,000 की ट्रांजेक्शन होती है तो 20 रुपए का, 3,000 का ट्रांजेक्शन होता है 30 रुपए, 5,000 का ट्रांजेक्शन होता है 50 रुपए, 10,000 का ट्रांजेक्शन होता है तो 100 रुपए का। इस टाइप से जो आपका चार्जेस मॉडल है वो वर्क करता है। तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ है आज के टाइम में, बहुत सारे ऐसे CSC सेंटर वाले जो है ना कि कस्टमर्स का जो पैसा है एक्स्ट्रा ले रहे थे। फॉर एग्जाम्पल उनको पैसे निकालने हैं 1,000 रुपया, तो वह क्या करते थे, 1,000 की जगह 1,010 रुपए की ट्रांजेक्शन कर रहे थे और उसके अलावा भी जो है 10 रुपए जो है कस्टमर से ले लेते थे। तो इस तरह से उनको 1,000 रुपए के ऊपर 20 रुपया वह ले चुके हैं कस्टमर से, लेकिन यहाँ पर जो चार्जेस लेने हैं वो सिर्फ 10 रुपए ही लेने हैं। तो NPCI ने इस चीज को काफी ज्यादा सीरियसली लिया है, क्योंकि उन्होंने इस तरह के बहुत सारे ऐसे ट्रांजेक्शन देखे हैं जहां पर कस्टमर से भी पैसा लिया जा रहा है कैश के फॉर्म में, और उसके अलावा जो ट्रांजेक्शन हो रही है उसमें भी जो है कुछ रिटेलर चार्जेस ले रहे थे। तो कुछ रिटेलर के कारण जो है यहाँ पर सभी रिटेलर्स के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है कि यदि वे जो ट्रांजेक्शन वैल्यू में 1,010, 2,020, 3,030 ऐसी अगर ट्रांजेक्शन करते हैं तो उनकी जो है ID ब्लॉक कर दी जा सकती है। अभी आपको पता होगा बहुत सारे बैंकों का सर्वर डाउन भी इसी कारण से चल रहा था। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर ले, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात कर ले, SBI बैंक की बात कर ले, तो उनको जो है NPCI के इस गाइडलाइंस को जो है इनबिल्ड करना था, अपने सर्विस में लेकर आना था, जिस कारण से जो है यहाँ पर बहुत सारे बैंकों का AEPS ट्रांजेक्शन जो है फेल हो रहा था, ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहा था। तो इस तरह का अभी कुछ सर्कुलेशन जारी किया गया है NPCI की तरफ से जितने भी रिटेलर्स भाई हैं उनके लिए, अगर वे इस चीज को फॉलो नहीं करते हैं तो उनकी जो ID है ब्लॉक हो सकती है, या बहुत लोगों की ID जो है ब्लॉक हो भी गई है। तो अगर आपकी भी ID ब्लॉक हो गई है तो मैं यहाँ पर अब आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। पहली चीज तो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा कि जितने भी लोग भाई बंधु ऐसे ट्रांजेक्शन पहले करते थे ना, तो प्लीज आप वैसी ट्रांजेक्शन करना छोड़ दीजिए। इससे क्या होगा कि आप NPCI की नजर में नहीं आओगे। जो भी आपने ट्रांजेक्शन करनी है वो बिल्कुल ही फ्लैट करना है, यानी अगर आपको 1,000 रुपए का विड्रॉ करना है तो 1,000 रुपए कीजिए, 1,010 रुपए यानी जो चार्जेस है वो आप उनके बैंक अकाउंट से ना काट के बल्कि आप कैश के फॉर्म में उनसे ले सकते हैं। 5,000 का ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो 5,000 का ही कीजिए, 50 रुपए कस्टमर से चार्ज लीजिए, उनके बैंक अकाउंट से मत काटिए। अगर आप ऐसा करते हुए पकड़े जाते हैं तो आपकी ID ब्लॉक कर दी जाएगी। जी हाँ दोस्तों, कर ही दी जाएगी। यहां पर ऐसा नहीं है कि आपको छूट दी जाएगा या वार्निंग दिया जाएगा, आपकी ID ही ब्लॉक कर दी जाएगी, और फिर दोबारा से आप किसी और कंपनी का भी ID यूज नहीं कर पाओगे AEPS ट्रांजेक्शन करने के लिए। लाइक यहाँ पर कई लोग ये सोचते होंगे कि हम स्पाइस मनी का भी जो है यहाँ पर AEPS सर्विस यूज कर रहे हैं, तो अगर ये वाली ID जो है ब्लॉक हो जाती है तो हम किसी और ऑपरेटर का जो है ID ले लेंगे और वहां से इस सर्विस को देने लग जाएंगे। तो जी बिल्कुल ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि जब आप इस ID को लेते हैं तो वहां पर आप अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड भी सबमिट करते हैं, तो ये सारी डाटा जो है NPCI के पास ही जाती है। तो यदि आपकी कोई भी एक ID पहले से ब्लॉक हुई है इन रीजंस के कारण, तो आप दूसरी बार जो ID अप्लाई करने जाओगे तो वहां पर जैसे ही वो पैन कार्ड सबमिट होगा ना, तो उनको पता लग जाएगा कि इनकी ऑलरेडी जो है एक ID दूसरे किसी ऑपरेटर के साथ में, यानी स्पाइस मनी के साथ में या फिनो पेमेंट बैंक के साथ में चल रही थी, तो वह जो है ID बंद पड़ी हुई है और इन्होंने दूसरी ID के लिए अप्लाई किया है, तो आपको उस ID का अप्रूवल नहीं मिलेगा।
तो यहाँ पर एक ही सोल्यूशन है, अगर आपकी आईडी इस कारण से ब्लॉक हो चुकी है तो आप अपने फैमिली मेंबर के किसी के नेम पर भी एक नया आईडी ले सकते हैं और यहाँ पर इस सर्विस को ऑपरेट कर सकते हैं, और कोई दूसरा सोल्यूशन आपके पास नहीं है। अगर आपकी आईडी अभी तक ब्लॉक नहीं हुई है तो प्लीज जो मैंने आपको ट्रांजेक्शन बताया है उस टाइप की ट्रांजेक्शन कीजिए। जो मैंने ट्रांजेक्शन आपको नहीं करने को बोली है, जैसे कि 1000 की जगह 1010 मत विड्रॉ कीजिएगा, 2000 की जगह 2020 मत विड्रॉ कीजिएगा, जो भी फ्लैट अमाउंट है 1000, 2000, 3000, 5000, 10000 ऐसे ही विड्रॉ कीजिएगा। तो ये एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट निकल कर आया था जितने भी AEPS सर्विस को यूज करते हैं, चाहे वह रिटेलर हो या कस्टमर्स हो। तो मुझे लगा इसके बारे में एक वीडियो बनाकर देना चाहिए आप सभी को, इसीलिए ये वीडियो बनाकर आपको दे रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आज का ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से ऑन कर लीजिएगा, और यहां तक इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का दिल से थैंक्स। मैं मिलता हूं किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।